देखो नहीं नहीं उनके उस्ताद रफी आंदो भट्टो भाई आपके और कौन थे दिल्ली में इसका क्या जवाब देंगे ये लोगों के 12,000 रुपये कम है एल्युमिनियम तारीख़ी मक्का मस्जिद के रेस्टोरेशन में चार अहम काम अब चल रहे हैं। एक बाहर जो मकबरे हैं, मकबरे का रूफ का काम, जितना भी काम करना था सिवाय इलेक्ट्रिकल वर्क के, सारा काम मुकम्मल हो चुका है। और मदरसे का काम अब चल रहा है, छत में जो भी बहुत वीक था छत, वो छत को निकालना ज़रूरी था, वो छत निकाल दिया गया है। और दीवारों में जो दरार थे, जो प्रॉब्लम्स थे, उसको भी दुरुस्त किया गया है, वो काम चल रहा है। तीसरा मेन गेट का और प्लम्बिंग का काम इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर वो शुरू हो जाएगा। जहाँ तक मस्जिद का सवाल है, जहाँ इबादत करते हैं वो एरिया का है, अंदर जो साउथ साइड है वहाँ पर आर्चर्स और पिलर्स का काम चल रहा है, थोड़ी देर हो रही है, इसीलिए कॉन्ट्रेक्टर को बताया गया है और तेज़ी लाना है काम। ये काम मुकम्मल होने के बाद वैसे 2 महीने के अंदर रमज़ान मुबारक भी शुरू हो जाएगा, रमज़ान के बाद में बाद ईद उल फितर दूसरे तरफ यानी कि नॉर्दर्न साइड जो काम शुरू होना है वो काम शुरू किया जाएगा। जब तक बरसात भी शुरू हो जाएंगे, मगर क्योंकि छत का काम मुकम्मल तौर पर पूरा हो चुका है, हाल ही में जो बरसात हुए थे जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया था मस्जिद के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि अगर बरसात का मौसम भी है फिर भी अंदर का काम तो जारी रख सकते हैं। थोड़ी देर हो रही है और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। अब ये गुज़िश्ता आइंदा 2-3 दिन के अंदर मैं फिर जायज़ा लेने वाला हूँ, डायरेक्टर आर्कियोलॉजी कॉन्ट्रैक्टर 4 कॉन्ट्रैक्टर्स जितने जो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं उनको भी बुला के जायज़ा लिया जाएगा कि क्यों देर हो रहा है और तेज़ी लाने के लिए क्या करना है। बट किसी हालत में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना, क्योंकि अगर 2-4 महीने देर भी हो गए तो ठीक है, मगर अगर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ हुए तो फिर जो इससे पहले के जो प्रॉब्लम्स थे मक्का मस्जिद की इमारत में वो फिर दोहराए जाएंगे, वो नहीं होना चाहिए, तो उसको नज़र में रखते हुए करेंगे। और इसके बाद में इलेक्ट्रिकल वर्क जाहिर है, क्योंकि बहुत पुरानी इमारत है, इंटरनल वायरिंग तो नहीं कर सकते हैं, तो बाहर से ही वायरिंग और अकोस्टिक्स का काम होना है, तो उसके लिए कौन से डिज़ाइंस होना है और उसको सही तरीके से यानी कि ज़्यादा एक्सपोज नहीं हुए जैसा जो माहौल होता है उसके उससे मिलजुल कर किस तरह का इलेक्ट्रिकल वर्क होना है, उसके लिए फिर भी एक्सपर्ट्स को एक बार बुलाएँगे, बैठेंगे, किस तरह के स्विच बोर्ड्स होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स अकोस्टिक्स कैसा होना चाहिए। वैसे वो टेंडर तो फाइनलाइज हो चुका है और डिज़ाइन भी फाइनलाइज हुए हैं, और जो बारीकी से जो एस्थेटिक्स का काम होता है वो किस तरह से होना है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे और अच्छे से अच्छा काम कराने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तभी आरजी करेंगे,
जो महकमा अखिलियाती बहबूद से जो काम होता है हर समर में, हर रमज़ान के दौरान, बाहर का जो कोर्ट यार्ड है उसके अंदर जो काम होना है।